रहे थे वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर में हमने अभी तक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कुछ टाइप्स देखे थे हमने वेक्टर के। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने अभी तक एल्जेब्रिक एडिशन पढ़ा है, एडिशन इन एल्जेब्रा। हमने ये पढ़ा है एल्जेब्रिक एडिशन, जैसे M1 मान लो 2 kg है, M2 मान लो 3 kg है, तो M=M1+M2 आएगा हमारे पास 5 kg। इसके अलावा इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एडिशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन हम यहाँ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती, ये देखिए ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है मास, ओके। तो इसका एडिशन स्केलर एल्जेब्रिक एडिशन हो गया। अगर बात करें हमारे पास, अगर कुछ ऐसा हो कि F1=2 3 न्यूटन, F2=5 न्यूटन, तो बताइए F क्या आएगा, F1+F2, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आंसर 5+3 8 भी हो सकता है, 5-3 या 3-2, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना F का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो वेरी करेगा 8 न्यूटन टू 5-3 2 न्यूटन। मींस इसका आंसर 8 न्यूटन भी आ सकता है और इसका आंसर 2 न्यूटन भी आ सकता है और इनके बीच में भी कहीं आ सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल एडिशन नहीं है, ये कैसा है, इसके लिए अलग एल्जेब्रा है जिसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एल्जेब्रा। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर एल्जेब्रा। इसका जो एडिशन हो कैसा एडिशन है, वो वेक्टर एडिशन है इसका। क्लियर बात। तो अगर हम दो क्वांटिटीज का एडिशन कर रहे हैं तो देखना होगा कि वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर स्केलर है तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हो जाएगा, लेकिन अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका एडिशन कुछ अलग एल्जेब्रा हमारे पास है। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका एडिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिखता हूं कि a+b=, आएगा c इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम a+b=c। ये वाली टर्म और ये वाली, ये दोनों ही अपने आप में अलग है, ये स्केलर एडिशन है और ये वेक्टर। a+b इसमें c आ रहा है तो a+b इसमें c आएगा और c की वैल्यू इसके बराबर होगी, इस बात की कोई वो नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल पे लगे हुए हैं और a और b जो है किस एंगल पे लगे हुए हैं, ठीक है। एंगल मीन्स इनका एडिशन कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा। क्लियर बात। जैसे मान लीजिए हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, इधर से लगाया 10 न्यूटन, इधर से लगाया 5 न्यूटन, तो इसका आंसर आएगा इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है ना वो 5 न्यूटन लग रहा है। किधर लग रहा है, जिस साइड 10 न्यूटन है उधर 5 न्यूटन नेट फोर्स, ठीक है। अगर ये दोनों मासीज होते मान लो 10 और 5, तो इनका एडिशन क्या आना था, 15 आना था ना, क्योंकि वो स्केलर है और ये क्या है हमारे पास, वेक्टर है, तो इनका एडिशन कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल की सिचुएशन में 5 न्यूटन आ रहा है। ये 15 भी हो सकता है, कब, जब ये ऐसे हो जाए तो, कि 5 न्यूटन भी इधर लग रहा है 10 न्यूटन भी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो एडिशन जो है वेक्टर का, उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। देर आर 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है।
ये लॉ क्या कहता है, देखिए कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए जो इस पॉइंट पी पे एक्ट कर रहा है, वेक्टर ए कहाँ एक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर बी जो कि पॉइंट क्यू पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो कहता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, इन वेक्टर में ये जो थर्ड वेक्टर होगा जो एक के टेल को टच कर रहा होगा और दूसरे के हेड को, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला थर्ड वेक्टर सी वेक्टर जो एक के टेल को टच कर रहा है, जिसका टेल और हेड दूसरे के हेड को, ठीक है। तो ये जो है ये इन दोनों का सम बताएगा ए प्लस बी। स्टेटमेंट इसकी ऐसे लिखेंगे, देखिए समझ में आई बात, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ठीक है, उनको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है कि ट्राइंगल की दो साइड है ये, और दोनों सेम ऑर्डर में ले रखे हैं। सेम ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से टच कर रहा है, क्लियर। तो इस सिचुएशन में जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी ना, जो अपोजिट ऑर्डर में ले रखी है, हेड हेड को टच करते हुए, उस सिचुएशन में जो थर्ड साइड है वो क्या बताएगी हमें, इनका सम, इनका एडिशन बताएगी कि कितना होगा, ठीक है। ये ग्राफिकल है, ए प्लस बी, अभी मैंने बताया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मीनिंग ए प्लस बी नहीं होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये थर्ड साइड ए प्लस बी है, वेक्टर एडिशन बता रही है, लेकिन इसका, इस थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पोजिशंस, टू डिफरेंट पोजिशंस, देन दीज टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है कि हेड टेल को टच कर रहा है, ठीक है। टेकन इन द सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, ठीक है। बात समझ में आई होगी कुछ, क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों कुछ इस तरह से हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे लग रहे हैं, जैसे एक पी पे लग रहा था एक क्यू पे, तो कहता है कि उन दोनों वेक्टर को एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और वो दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में होंगे, हेड टेल को टच करता हुआ, तो कहता है उसकी जो थर्ड साइड है ऑफ द ट्रायंगल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, और थर्ड साइड क्या होगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट का मतलब हेड से हेड टकरा रहा है, क्लियर बात। तो हमें ये तो हमने इसका क्या बताया है, ये जो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। हम ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखा, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, और वी कैन से दैट एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसको रीड्रॉ करता हूं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ इट वेक्टर एडिशन, ठीक है। वही हमारे पास ये वेक्टर ए है, पी पॉइंट पे लग रहा है, एक वेक्टर बी है जो क्यू पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, इसको कैपिटल बी ले लेते हैं, और ये हमारे पास थर्ड साइड है जो कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट बता रही है, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल सी ले लीजिए, ऐसा कुछ हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है दो वेक्टर और उसके रिजल्टेंट की, ठीक है। अब दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल तो है, ठीक है, हमने कहा कि वो एंगल थीटा है, तो क्या मैं थीटा यहां बना दूं, यहां थीटा नहीं बन सकता क्योंकि ये हेड है और ये टेल है, हेड और टेल के बीच एंगल नहीं होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर को मैं आगे, देखिए वेक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर को हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, पीछे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं एज इट इज, क्योंकि ना इसमें डायरेक्शन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होगी, ऐसा हम कर सकते हैं शिफ्ट। तो ये जो बी है इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये फिलहाल एंगल है ए और वेक्टर बी के बीच, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। हमें चाहिए ये ए प्लस बी का रिजल्टेंट चाहिए, मैं इसको आर से भी लिख सकता हूं, आर रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, ये वाला ए है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये बी है, ये क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है एक्चुअली, देखिए ये साइड जो है ना ये निकालनी है हमने, जिसको हमने लिखा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए बी सी, ये वाली हो जाएगी डी, ठीक है। तो ये हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास AC क्या है, देखिए AC तो है R, तो R का स्क्वायर सिर्फ मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं, AD हमारे पास क्या है, वो है AB प्लस BD, उसका स्क्वायर प्लस CD, तो CD है। अब हमारे पास AB तो है, कितना है, A है, देखिए बताया था ना A, ये जो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है एरो, एरो की लेंथ क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड, तो ए इसका मैग्नीट्यूड और बी इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी ए बी से लेके, तो देखिए हमें हाइपोटेन्यूस पता है, हमें बेस निकालना है, तो क्या ये बी कॉस थीटा और क्या ये बी साइन थीटा, इजिली बता सकते हैं ना, हमें हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस पता है तो बेस क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमें तो बेस निकालना था ना बी डी, तो क्या हो जाएगा ए सी कॉस ऑफ थीटा, ए सी क्या है देखिए, एक मिनट, हमें था बेस अपॉन हाइपो बी सी आएगा ये, ठीक है, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, तो बेस बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूस बी सी, ये आ गया बी सी, बी सी क्या है देखिए बी है ना, तो b cos थीटा, तो ये ऐसे ही b sin थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब cd बाई bc,
सी डी क्या हो गया, बी सी साइन थीटा, बी सी क्या है स्मॉल बी, तो बी साइन थीटा। ओके, तो सी डी और बी डी ये हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ से। तो इसे हम पुट करें, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी क्या है भाई, ए बी है ए प्लस बी डी, बी डी क्या है बी कॉस थीटा, उसका करिए स्क्वायर, प्लस सी डी क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल सॉरी प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो ये आर जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो कोई दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं ए प्लस बी, अब अगर हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा आएगा। ओके, तो फाइनली अगर हम देखें तो क्या ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड आ गया, वो क्या आ गया, हमने उसको आर से लिखा है वहां पे, एक अलग बात है, लेकिन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ। ये थीटा क्या है देखें, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखिए मास जो होगा उसके बीच तो एंगल हो नहीं सकता कि एम वन और एम टू के बीच इतना एंगल है, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच तो एंगल हो सकता है, वो क्या है थीटा है यहाँ पे, क्लियर। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है इसका, हम ये जो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, वेक्टर का अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वेक्टर ही आएगा, तो इस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास एक तरह से ये बी ए वेक्टर के साथ क्या बना रहा है, बीटा एंगल, तो मैं उस बीटा को फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। तो बीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए वेक्टर, आर और ए के बीच क्या है हमारे पास, बीटा एंगल है। तो देखिए बीटा अगर पता चल गया तो ये पता चल जाएगा ना कि रिजल्टेंट ने ए के साथ इतना एंगल बनाया है, ए तो हमें ऑलरेडी पता ही था, तो ए के साथ इतने एंगल पे है तो हमें उसकी डायरेक्शन पता चल गई रिजल्टेंट की, ठीक है। तो टेन बीटा, देखिए फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन बीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सी डी बाई ए डी, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, सी डी बाई ए डी, तो टेन बीटा हमारे पास आ गया, सी डी क्या है देखिए, सी डी ये वाला सी डी बी साइन थीटा, और सी डी बाई ए डी, ए डी ए डी है ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली कि उन दोनों वो जो रिजल्टेंट आया है उसने ए के साथ ये एंगल बनाया है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का
कितना एडिशन होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर का समेशन एक तरह से। देखिए अगर मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल ले लूँ कि एक है 10 न्यूटन और एक हमारे पास है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, वो भी मान लो 10 न्यूटन ही है और ये एंगल ना 60 डिग्री है। ये कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे मान लीजिए, एक दूसरा लगाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और एक फोर्स हमारे पास ये लग रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स हमारे पास ये लग रहा है वो भी 10 न्यूटन ही है। इस तरह की सिचुएशन है तो हम इसमें क्या नहीं कर सकते। अगर वो पूछे इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो देखिए क्या ये ऐसे है कि ये 10 न्यूटन और एक यहां लगता हुआ ये 10 न्यूटन, तो हमें चाहिए रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट देखेंगे कितना आएगा इसका, तो रिजल्टेंट इससे रिप्रेजेंट होगा और ये आर जो है क्या आने वाला है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और हाँ ये जो एंगल है इसने इसके साथ 60 डिग्री बनाया हुआ था, तो इसके साथ मतलब यहाँ पे ये कितना है 60 डिग्री है, तो दोनों के बीच कितना एंगल है 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से 10 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब 10 इंटू 10 साथ में है कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 और कॉस 60 क्या होता है हमारे पास 1/2 साथ में रूट भी है इस पे, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इस सिचुएशन में, आर आएगा 10 10 कितना हो गया 100 100 और 100 कितना हो गया ये आ गया 200 प्लस ये 2 से कट गया फिर से वो 10 और 10 कितना आ गया 100 प्लस 100 अंडर रूट ये आ गया रूट 300 न्यूटन आ गया भाई, ये हमारा आर है। हमने रेंडमली ऐसे ही एक सिचुएशन बना ली कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर इस तरह से दो, देखिए दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है अलग अलग है। 10 न्यूटन यहाँ एक्ट कर रहा है तो 10 न्यूटन ये वाला यहाँ एक्ट कर रहा है, हमने उसको ट्राइंगल लॉ से रिप्रेजेंट कर लिया एक ट्राइंगल से, ठीक है। अब बात आती है कि जो आर आया है ये रूट 300 न्यूटन आया है इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला देखिए फिर से वही हमने मान लिया बीटा, ये जो पहले वाला वैक्टर है 10 न्यूटन उसके साथ उसने बीटा एंगल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये हमने ड्राइव किया हुआ है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा b sin थीटा। b क्या है, a और b दोनों वेक्टर 10 10 न्यूटन है, इसका मतलब tan और sin थीटा मतलब sin थीटा क्या था ये वाला 60, तो sin 60 by 10 प्लस 10 cos 60, ठीक है। तो sin 60 होता है रूट 3/2, रूट 3/2 टू से ये 10 कटेगा 5 आएगा, 5 रूट 3 डिवाइड बाई कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, 2 से ये 5 आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 5 मतलब 15 मतलब 3, ये आ गया रूट 3/3, ये आ गया 10 बीटा। ये हमने रैंडम वैल्यू ली हुई है तो एंगल कैलकुलेट होगा नहीं एग्जैक्टली, बट 10 बीटा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट 3/3, समझ में आई बात। तो ऐसे हम किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे होगा, कि दो वेक्टर अगर दिए हुए हैं तो उनका कैसे वेक्टर एडिशन हम करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए, फिर डायरेक्शन भी बता देंगे। दूसरा इसमें है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उसका रिजल्ट सेम आएगा, मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तीन लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों ही वेक्टर में क्या होता है, रिजल्ट सेम होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्लियर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि हमारे पास दो ही वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, लेकिन अब की बार दोनों में, दोनों वेक्टर की क्या करेक्टरिस्टिक है कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, पिछले वाले डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे थे। ऐसे ये हमारे पास मान लीजिए दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, दोनों इस पॉइंट मान लीजिए कि ये कैपिटल ए पॉइंट इस पे एक्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच है थीटा एंगल, राइट। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो कहता है कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया इस तरह से, हम इसको एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास बच जाएगी, ये साइड बी है तो ये भी क्या हो जाएगी बी, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगी ए, पैरेललोग्राम जानते होंगे आप। तो कहता है कि इसका जो डायगोनल है, इसका, इसके दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला, हमें कौन सा डायगोनल लेना है जो उस पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों वेक्टर तो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट बताएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, देखिए उसमें हमारे पास ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। पिछले वाले केस में क्या था हमारे पास, उसमें दोनों वेक्टर अलग अलग पोजीशन पे लग रहे थे, इसमें दोनों वेक्टर एक ही पोजीशन पे लग रहे हैं, और फिजिक्स में हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या शॉर्ट लिखवा देता हूं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देखिए ये पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड होगी ना, उससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए और बी को, देन डायगोनल passes through the same point, passing through the same point gives the, or we can say that represents the resultant, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों को हमने, दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो हमने उनको किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कहता है कि उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जो उसी पॉइंट से पास हो रहा है वो क्या बताएगा, उनका रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए हमें चाहिए ये आर, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। देखिए इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके और इसके बीच में भी क्या रहेगा थीटा, ये वाला ए था तो ये वाला बी है, ये वाला सी है तो ये वाला डी, क्या ये अगर ऊपर वाले को छोड़ दें तो क्या नीचे वाला पिछले वाला केस बन गया, ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा, याद आया। तो हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, वही AC फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें R फाइंड आउट करना है, हमारे पास रिजल्टेंट सेम आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ ए थीटा। इसका मतलब ये है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, पिछले वाले स्टेप रिपीट होंगे एज इट इज। देखिए यही ए था, यही बी डी है, यही सी डी है, यही हमारा डायगोनल ही वहां पे हाइपोटेन्यूस बन गया, किस ट्राइंगल का, ए सी डी ट्राइंगल का। ठीक है, तो उस रिजल्ट में इसमें कोई फर्क नहीं है मैथमेटिकली, फर्क है लॉजिकली। अगर आपसे कोई बोलता है कि दो वेक्टर दो अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं तो उनके रिजल्टेंट के लिए ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर ये कहा जाए कि दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो फिर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम वही बात यहां भी है कि मैं इस एंगल को अगर बीटा मान लूं, जो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, तो टेन बीटा क्या आएगा, पिछले वाले केस में देखिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब बी साइन थीटा बाई ए स्मॉल ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लीजिए, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, जो हमें ये बता। तो हम मैक्सिमम क्या यूज करेंगे, यही हमारे पास दो वेक्टर होंगे जो एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे, तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आया, मैथमेटिकली रिजल्ट सेम आएगा दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस लॉजिकली डिफरेंस ये है कि वो दोनों वेक्टर अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं और ये एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। क्लियर बात। उसके बाद हमारे पास इसमें ना थर्ड लॉ होता है जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अभी तक तो हमने दो वेक्टर की बात की, पिछले वाले ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर की बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम में भी दो। अगर वेक्टर हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए, तीन चार पांच छह कुछ ज्यादा वेक्टर अगर आ जाए तो उनका एडिशन कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए पॉलीगन लॉ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, वी हैव फोर वेक्टर्स ए बी सी एंड कैपिटल डी, देन दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉलीगन ऑफ साइड फाइव। देखिए कैसे, अगर मैं इसको, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ऐसे कोई रैंडमली हमने चार वेक्टर लिए, ऐसे चार वेक्टर थे। ठीक है, तो कहता है कि ये जो चार वेक्टर हैं इनका रिजल्टेंट कौन बताएगा, ये जो फिफ्थ क्लोजिंग साइड वाला वेक्टर है ना ये बताएगा आर। बात समझ में आई, जो लास्ट वेक्टर है, लास्ट साइड है, जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ है और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ है, इसलिए इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर, हेड हेड से टकरा गया ना। तो ये सिचुएशन, ये आर हमें क्या मिलेगा इसमें, देखिए जो हमारा आर आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप सोचेंगे ये तो सीधा लिख दिया, फिर ये रूल कहाँ, देखिए सभी पे वेक्टर लगा हुआ, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा अभी नहीं पता, ही ग्राफिकल है एक तरह से कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा डिपेंड्स अपॉन देयर एंगल्स, कैसे कैलकुलेट होंगे ये सीधे, हमने तो दो के लिए तो कर लिया था, इसमें हम दो दो ही लेके चलेंगे। देखिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर कंसीडर किया मैंने यहां से ऐसे, ये लीजिए, तो देखिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगी साइड के साथ, तो क्या ये ए प्लस बी आ गया, याद करिए ये ए प्लस बी तो होता था थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो दो। तो अब हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया जो कि ए प्लस बी नाम का है, और अगर इस ए प्लस बी वेक्टर को सी के साथ ऐड करना है तो देखिए, तो आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, तो एक अनदर वेक्टर हमारे पास आ गया जो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है।
और उसको डी के साथ ऐड करना है, तो फाइनली आर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए एक वेक्टर था उसको डी के साथ ऐड करना है तो प्लस डी, यही हमने लिखा इसके अंदर, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज्यादा कुछ नहीं है, एक्चुअली है तो हमारे पास वही क्या जिसमें हम दो दो वेक्टर ऐड कर रहे थे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में, लेकिन यहाँ कई सारे वेक्टर हैं तो टेक्निक तो हमारी वही है दो दो वेक्टर वाली, बट इसमें कई सारे वेक्टर हैं, जिसका नाम क्या रख दिया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रख दिया इसमें, ठीक है। तो ये तीन लॉ हमारे पास हैं एडिशन के, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। और हमारे फिजिक्स में जो मोस्ट ऑफ यूज होने वाला है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। आगे इसमें हम देखते हैं दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वो क्या है, देखिए जो फर्स्ट है इसमें, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर a प्लस बी है उसको हम b प्लस ए कर दें तब भी हमारे पास रिजल्टेंट सेम आएगा। क्या a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए होता है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि मान लो वेक्टर हमारे पास तीन है, ए प्लस बी प्लस सी, देख रहे हैं, मैंने b और c को अलग ऐड किया और फिर उसको a के साथ ऐड कर लिया। लेकिन अगर ऐसा कर दूं कि a प्लस बी, ए और b को पहले ऐड कर लूं और फिर c के साथ, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई, तो क्या है ये दो प्रॉपर्टीज कह दीजिए या लॉ कह दीजिए एक तरह से, जिनको ये ओबे करता है, एक कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है और एक एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, क्लियर। तो वेक्टर एडिशन में अगर a प्लस बी रिजल्ट हो गया, एसोसिएटिव में इस तरह से बी प्लस ए करके ए ऐड करिए या ए प्लस बी करके सी ऐड करिए, उसके अंदर रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन रूल्स। उससे आगे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।